वो बात करूंगा मैं, क्योंकि गूगल के हिसाब से लोगों ने काफ़ी आपको सर्च किया, इंस्टाग्राम की आपकी जो मतलब फॉलोअर्स वो ज़्यादा है। आपके फादर की आपने बात कही है शुरू में कि वो स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये गंदी बात टू करने के पहले आपने ये सोचा नहीं कि जिस तरह के बोल्ड सीन देने हैं? हाँ। तो फादर क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, बेशक मैंने सोचा। इनफैक्ट जब मैं सेट पर थी और ये सब हो रहा था, मेरा चेहरा एकदम उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मैं वापस घर ना जाऊँ, कुछ हो जाए, धरती फट जाए, प्रलय आ जाए, क्योंकि मैं फेस नहीं करना चाहती थी वो रियलिटी को। बट समहाउ मैं पता नहीं क्यों इस बात से कन्विंस थी कि उनको पता ही नहीं चलेगा इतना बड़ा शो, मतलब एक तरफ पता है कि शो हिट होगा, बट दूसरी तरफ ये भी पता है कि घर वाले छोटे शहर में हैं तो उनको पता नहीं चलेगा, इसको जाने देते हैं, इसको कर लेते हैं। फिर भाभी से बात की मैंने, फ़ोन किया अपने फ्रेंड्स को कि मैं क्या करूँ, मैं फंस गई, मैं ऐसे भाग भी नहीं सकती, अभी मैं अटक गई, क्या होगा मेरे मॉम डैड का? क्योंकि एक बार ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि मेरे घर में आग लग गई थी और उस टाइम पे मॉम डैड को लगा कि मेरी ही गलती रही होगी, तो उन्होंने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो मुझे वो लगा कि मेरी फैमिली मुझसे एक बार फिर से हमेशा के लिए छूट गई। मैंने कहा फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं करियर में अच्छा करूँ, तो हो सकता है सक्सेस की वजह से वापस मेरे पास वो लोग आ जाएँ या वापस मैं उनको पालूँ। बहुत डरावना सिचुएशन था, मैं बहुत टेरिफाइड थी, बहुत, मैं प्राउड तो बिल्कुल भी नहीं थी इस चीज़ का। तो क्या हुआ बाद में, क्या हुआ, कैसे मतलब कैसे मान गए आपके पिताजी और आपकी माताजी? माने तो बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट बहुत समय तक उनको नहीं पता चला। मम्मी को खबर आ रही थी कहीं से कि तुम्हारे ऐसी लगने वाली लड़की है जिसका ऐसे मीम्स आ रहे हैं, शो आने के पहले लीक हो गए थे हमारे सीन्स, तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं हूँ, कोई और मेरे ऐसे दिखने वाली लड़की है। क्योंकि मैंने डायरेक्टर सर को बोला था कि सर मेरा नाम मत दीजिएगा, मुझे ये काम में अपना नाम नहीं चाहिए, मैं कर तो रही हूँ बट मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए। बट मेरा नाम दिया उन्होंने तो मम्मी को पता चल गया कि मैं हूँ, बट मेरी माँ ने पापा को नहीं बताया क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत डेंजरस होगा मेरे लिए। लेकिन फिर मेरे पापा को, जितने भी हमारे शहर के जर्नलिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने बुलाया, बिठाया और उन्होंने कहा कि देखिए आपकी लड़की क्या काम कर रही है। मेरे जितने भी मीम्स थे, स्क्रीन शॉट्स थे, वीडियोज़ थे, सब दिखाए, और मेरे डैड के लिए मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाला वो पल था, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैंने बहुत माफ़ी भी मांगी, मुझे याद है मैं जिम कर रही थी और उस टाइम पर पापा का फ़ोन आया और उन्होंने 15 मिनट तक सिर्फ उन्होंने ही बोला, मेरे मुँह से एक जवाब नहीं निकला, बिकॉज मेरे पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए, अपनी सफाई में कुछ भी नहीं था। और उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हमें शूट के पैसे मिले होंगे या इससे बहुत ज़्यादा कुछ हमें फ़ायदा हो रहा होगा इसलिए हमने ये किया, क्योंकि यहाँ पे जब आप रहते हो बॉम्बे में रहते हो तो वो ज़िंदगी सिर्फ आप ही देख पाते हो, कि बाहर से जितनी फैंसी दिखती है, आसान दिखती है, उतनी होती नहीं है, तो आपकी मजबूरी सिर्फ आप ही समझते हो। बट फिर जैसे ही उन्होंने ये समझा कि मैं इवेंट्स होस्ट कर रही हूँ, मैंने उनको लेटर लिखे, 4-5 पेज का मैंने लेटर लिखा, सारा पर्सपेक्टिव समझाया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। इनफैक्ट मैं सबके लिए ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके मॉम डैड आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो वर्बल बात करने से अच्छा है कि उनको लिख करके बात करें, क्योंकि लिखने में आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है, सामने वाला आपको टोक नहीं पाता, आपकी बात पूरी हो पाती है, ऐसा नहीं कि बीच में कट कर दिया और आप भी भूल गए कि आप कहना क्या चाह रहे थे। अपना आप जब पक्ष रख पाते हैं तो सामने वाला भी आपको बेहतर तरीके से समझ पाता है। अनवेशी क्या लिखा था, क्योंकि ये बार बार मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गंदी बात टू है जो आपकी करियर के साथ वैसे ही जुड़ी रहेगी, और वो गंदी बात है ऐसा हम नहीं मानते हैं क्योंकि वो तो काम था। क्या लिखा था? एग्जैक्टली यही लिखा था कि जो आप टीवी पे देखते हैं, जो आप पर्दे पे देखते हैं, वो हकीकत नहीं होती है। जब हम शूट कर रहे थे तो उस टाइम पे फ्लोरा की मम्मी हमारे साथ थी, सेट पे कोई भी नहीं था, सिर्फ डीओपी और उनकी मम्मी थी, डायरेक्टर तक हट गए थे, उनको उन्होंने हमें ब्रीफ दे दिया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और वो भी हट चुके थे वहाँ से। तो जितना देख के लगता है कि बिहाइंड द सीन्स ही बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी या कॉम्प्रोमाइज़ हुए होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, हमें ऐसा पेमेंट इतना ज़्यादा अच्छा मिलता है कि हम सोचे कि पैसों की वजह से हमने ये कर लिया। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आई वुड लाइक टू टेल कि जब हम पॉर्न इंडस्ट्रीज़ की भी बात करते हैं, सनी लियोनी जिस चीज़ को लेकर बहुत चर्चित थी कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया होगा पॉर्न इंडस्ट्री में, लेकिन मियाँ खलीफा हो गई, इन लोगों का पे भी काफ़ी कम होता है, यू नो, वो तो मजबूरी वाली बात होती है कि आप किस तरह से कौन सा रास्ता चूज़ करते हो, बट ऐसा नहीं है कि ये आसान रास्ते हैं या इजी मनी है, आसान कुछ भी नहीं है, कोई काम आसान नहीं है, पैसा कमाना आसान नहीं है। सो ये चीज़ मैंने मेंशन की थी। दूसरी चीज़ मैंने ये भी मेंशन की थी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैंने ये भी उनको याद दिलाया कि मैंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की उनको खुश रखने की, मैंने इंजीनियरिंग की, अपनी ज़िंदगी के 4 साल दिए ताकि वो खुश रहे, उनका मन का हो जाए, मैंने सूट सलवार सूट पहना, उनके मन के काम किए, कभी कोई गलत काम नहीं किया, सिगरेट ड्रिंकिंग, गलत कंपनी अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मेरी कभी आपको सुनने में नहीं आई होंगी ना आएंगी, मैंने सिर्फ काम किया ज़िंदगी भर, और उसके बावजूद ही मुझे लगा कि रिटर्न कम मिल रहा था, तो ये एक तरह से रिवॉर्ड है मेरे लिए, शायद ईश्वर को लगा होगा कि इस लड़की ने मेहनत की तो उसको थोड़ा तो दे दे, तो एक वो चीज़ थी। तो मैंने सोचा कि जब ईश्वर ये बात समझ सकता है तो आप तो माँ बाप हैं, आप तो उनसे भी ऊपर हैं, आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी आगे जाके।